Question number? Question number 124. नहीं अभी सुबह सुबह इतना बड़ा ये लेक्चर रख दिया अभी इसको मैं क्या आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री करें नहीं सर कोई सप्लीमेंट्री नहीं है मेरा मेरा इसी सवाल का जवाब भी तफसील से नहीं आया पता नहीं कौन सी कहानियां इसमें डाल दी हैं तो ये पहले भी मैंने एनएचए के लिए भी सवाल किया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया मेरे ख्याल में ऑफिस में बैठे लोग जवाब देना ही नहीं चाहते और ना गाड़ियों की तफसील बताना चाहते कि कितना फ्यूल घटक रहे हैं और मोनेटाइजेशन के उसमें कितना पैसा ले रहे हैं मिनिस्टर फॉर फेडरल एजुकेशन प्लीज ये मेरे हाल है सायरा बानो माशाल्लाह मुझे अब मैं जवाब नहीं दे सकता आपका मैंने रिटर्न रिप्लाई एक एक चीज लिख दी है वो पढ़े आराम से बैठे पढ़े और उसमें से फिर कोई चीज निकलती है तो मुझसे पूछे आप पढ़े कि डिटेल है कितनी व्हीकल्स हैं कौन यूज कर रहा है किस मिनिस्टर के पास कितनी है सेक्रेटरी के पास कितनी है एक एक अदारे की तफसील है एक एक अदारे की पेट्रोल की कंजप्शन कितनी है और सेविंग कितनी हो रही है वो सब लिखा हुआ है उसमें से कुछ चीज निकलती है तो आप निकाल लें मोहतरमा शाइस्ता परवेज साहबा थैंक यू स्पीकर साहब मैं क्वेश्चन मूव करके मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि लिटरेसी का शायद मुझे मतलब नहीं पता इसीलिए एजुकेशन का जो इस मुल्क में हाल है वो सबके सामने आया है जो सवाल है वो ये है कि मुझे पता है या बताएं ना कि एडल्ट लिटरेसी कर रहे हैं कि बच्चों की लिटरेसी कर रहे हैं ये कर क्या रहे हैं उस प्रोग्राम में और कितना खर्चा आया है किस क्लास को केटर कर रहे हैं और एक छोटी सी सजेशन है वर्ल्ड बैंक या कोई भी पैसे दे रहा है वो इस मुल्क में आ रहे हैं और उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए मेरी ये सजेशन है कि जो हमारी मसाजिद हैं वो फजर के बाद से जोहर तक बिल्कुल फारिग होती हैं गवर्नमेंट ने अब तक क्यों नहीं सोचा कि उस स्पेस को अगर हम यूटिलाइज कर सकें और बच्चों को तहजीब और तमीज के दायरे में रहकर उनकी एजुकेशन वहां कर सकें तो शायद ये जो एक फसाद है मोबाइल एजुकेशन का वो हमें शायद ना करना पड़े और कौम इससे फायदा उठा सके तो मिनिस्टर साहब को कहें इसकी हमें बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए खर्चा कितना हुआ है कौन लोग इन्वॉल्व हैं कितनी फंडिंग आई है और क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में क्योंकि ये एक और प्रोग्राम है जो मोबाइल हॉस्पिटल्स का था पहले और अब ये मोबाइल स्कूल्स हैं थैंक यू जी मैं मोहतरम राकीन से नहायत अदब से बात करना चाहता हूँ क्वेश्चन आवर में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आए उसके बाद जवाब आए और फिर हमने ये रेफर कर दिया स्टैंडिंग कमेटी को अब मेरे ख्याल अब आगे बढ़ना होगा तो मोहतरमा सायरा बानो से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो क्वेश्चन करना चाहती थी सप्लीमेंट्री जी वो स्टैंडिंग कमेटी में पता चल जाएगा ओके जी प्लीज फैसल वाडा आया क्वेश्चन नंबर फोर हैज बीन रेफर्ड क्वेश्चन नंबर फोर हैज बीन रेफर्ड सायरा बानो सप्लीमेंट्री करना चाहती हैं स्पीकर साहब जी मंदू खेल को बिठा दें कल उन्होंने बहुत बड़ी तकरीर की है हाँ तो क्या ये खेल ऑर्डर इन द हाउस प्लीज सर क्या ये देखिए ना आप आए मोहतरमा सायरा बानो साहब ये देखिए आप प्लीज 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 आप देखिए आज स्पीकर साहब नहीं है अगर मुझे मौका दिया गया है तो प्लीज ऑर्डर इन द हाउस मैं तमाम अराकीन को सप्लीमेंट्री तीन होते हैं मैं तमाम अराकीन की मैं बहुत इज्जत करता हूँ एहतराम करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन कौन साहबान है तो बराए करम एक हम
तरतीब के साथ चलते रहें तो बेहतर होगा। जी फ्लोर सारा बाडो के पास है, वो सवाल करें। ठीक है सर, आप इनको बोलने दे दें। फैसल वाडा ने भी इनको बारी दी है तो इसलिए ये यहाँ पर आ गए। इनको बोलने दे दें, हमारे पे बड़ा एहसान है, इनको बोलने दे दीजिए। आप हाँ, इनको बोलने दे दीजिए। फैसल वाडा ने इनको भी बारी दी है, 3 साल वो थे, फिर उन्होंने कहा अब जाके तुम खेलो। मोहतरमा सारा बानो साहबा, नहीं सवाल किया ही नहीं तो आपको क्या मतलब? आप वो नहीं सर, आप देखे तो अब ये कोई है, आप सवाल करें। अच्छा तो तुसी मैं फिर कोरम पॉइंट आउट कर देनी है, तुसी बंद करो। नहीं नहीं, आप प्लीज सवाल करें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। चले सर बस ठीक है, मेरे नाम से बहुत तकलीफ हो रही है। स्पीकर साहब यहाँ पर कोई लिखा है कि एक गाड़ी की जो बचत थी वो 20,000 रुपए है। हाँ, तो 20,000 बचा के कौन सी हातिम ताई की कब्र पर लात मारी जा रही है, और ये इतना सारा कुछ दिया क्यों जा रहे हैं? ये सब चीजें खत्म क्यों हो, खत्म क्यों नहीं कर रहे? मिस्टर फॉर एजुकेशन, खत्म कर दे। पहले तो वैसे तो गुजर गया, शायस्ता बेगम ने कहा था, मैडम शायस्ता ने, कि ये मोबाइल इनको एक दो में बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का एक पैसा वहाँ पे नहीं लगा, वो सारा हमने लोगों से पैसे लेके उसको कन्वर्ट किया। बसें पुरानी थी, लेकिन मैं कहूँगा अपने मिनिस्ट्री को कि 2 बसें यहाँ, एक बस ला के असम्बली के बाहर इनको ज़रा दिखाएं, ताकि इनको पता चले कि वो है क्या। फिर मेरा इनको पता चलेगा कि मोबाइल जो मैंने स्कूल और व्हील्स बनाए हैं वो चीज़ क्या है, शायद ये अप्रिशिएट करें। ये मुझे पता है बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि गुस्सा लगे कि क्वेश्चन ये है कि लिटरेसी रेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा, उसका जवाब मिल गया। अब सारा बानो, बानो ही है ना सारा बानो, मुझे सारा बानो का नाम वो याद आ जाता है, इंडिया की एक्ट्रेस है आप, माशाल्लाह। नहीं ये मुनासिब नहीं है, मुझे 20,000 इनके लिए कोई उम्मीद नहीं है यार, मैं क्या करूं आज, क्या हो गया? प्लीज मैंने बजाय अप्रिशिएट करने के कि एक एक अदारे ने लाखों रुपए सेविंग की है पेट्रोल की मद में, अगर मजीद इनको कोई तफसील से कोई चीज चाहिए तो मैं कहूंगा कि ये आ जाएं तो इनको सारी तफसील मुहैया कर देंगे एक एक चीज। ऑर्डर दी हाउस, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो था उस पर जितने सवाल किए गए हैं, जिसमें नूर आलम साहब भी शामिल हैं, ये कमेटी में इनवाइट किया जाए, वहाँ सरासर बहस हो। बड़ा संजीदा यह बात है, ये कमेटी में रेफर किया है, नूर आलम साहब भी वहाँ तशरीफ लाए। नूर आलम साहब, मुबीर साहब, जनाबी चेयरमैन साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद, लेकिन बात यह है कि आप अपोजिशन को मौका देंगे, वो हुकूमत के बेंचेस हैं, वहाँ पे अगर हुकूमत के भी मेंबर ने एक बहुत अच्छा सवाल किया, उसके लिए कमेटी में खाली वो नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि एज अ चेयरमैन PSC हमने भी पूछा है कि ये स्कॉलरशिप गरीब बंदे का हक है, उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन या वहां पे बाहर भिजवाना चाहिए। इसमें अफसरान जो ग्रेड 22 और 21 है उनके बच्चे वो हो रहे हैं, अगर हम वो लिस्ट मांग रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है। सारे MNAs यहाँ पे, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे गवर्नमेंट से, वो मांग रहे हैं, शेख रोहेल असगर साहब ने या शाइस्ता मलिक साहिबा ने, या उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की। मिनिस्टर साहब जवाब नहीं दे रहे, मुझे ये हैरानी हो रही है कि मिनिस्टर साहब प्रिपेयर नहीं है कि क्या बात है ना। मिनिस्टर साहब आपको आपको जवाब देना चाहिए, प्रॉपर प्रिपेयर होकर आने चाहिए, वरना। और दूसरी बात यह है चेयरमैन साहब, आप ये भी वो करें कि सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे आए, ऑनरेबल MNAs जो होते हैं वो सवाल पूछते हैं, और यहाँ पे अगर मिनिस्टर साहिबान खाली ये कुर्सी यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं, वहाँ पे हमें अपने टॉर दिखाते हैं,
हम टोर निकालने नहीं है वो कर बैठे इनके, यहाँ पे आवाम के सवाल जवाब देंगे तो हम वो करेंगे, वरना हम वही करेंगे जो पहले करते रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। मैं मोहतरम मेम्बरान से अर्ज करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पर जो रेलिवेंट मिनिस्टर रहता मैं मौजूद हैं उनसे सवाल किया जाए, उसका जवाब लिया जाए, और फिर हमने इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया ताकि और तफसील से बहस हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जनाब सिकंदर अली राव पोतो साहब, उसको चलने दे रहा। देखिए कुछ सवालात गुजर चुके, देखिए यहाँ 20 मैं आपसे अदब से कहता हूँ, तशरीफ रखे, मैं आइंदा ख्याल रखूँ। सिकंदर अली राव पोतो साहब जल्दी समझ गए, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिकंदर अली राव पोतो नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सलाउद्दीन साहब, सवाल नंबर 157। जनाब बोला है उन्होंने।